सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि भाई आप लोग को थंबनेल और टाइटल देखकर तो पता चलेगा किस चीज़ पे वीडियो है। तो भाई आज बताने वाले, एक्सप्लेन करने वाले व्हीली कैसे होगा और साइकिल में क्या क्या इक्विपमेंट रहना चाहिए, तो होगा या नहीं होगा सब बताते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। तो भाई सबसे पहले भाई लोग आप लोग को बताते हैं कि साइकिल में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं रहेगा तब भी व्हीली हो जाएगा। तो सबसे पहले सब भाई पूछते हैं सस्पेंशन अगर नहीं है तो व्हीली होगा या नहीं। हाँ भाई, अगर सस्पेंशन नहीं तो बिल्कुल होगा व्हीली, बट आपको जो फ्रंट टायर में है ना उसमें थोड़ा सा एयर थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि जो शॉकर का काम होता है ना ऐसे फिर थोड़ा सा पॉप करने में हेल्प करता है। अगर टायर में थोड़ा सा हवा अगर कम रखोगे ना तो वो भी हेल्प करेगा ही आपको। तो फिर अगला बात आपको बताते हैं गियर भाई, ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन है गियर प्रॉब्लम। अगर भाई आप लोग में गियर है तो फ्रंट में 1 पे रख लेना, आगे में 2 पे या 3 पे रखना भाई, फर्स्ट पे मत रखना, फर्स्ट पे नहीं हो पाएगा अच्छे से। हम भाई हमेशा 2 ही पे रखते हैं। अगर आपके पास गियर का बजट नहीं है भाई तो आप वो रिक्शा वाला फ्री व्हील लगा सकते हैं, बड़ा वाला, उससे भी आपका व्हीली हो जाएगा। पीछे वाला सब देखो, आगे वाला भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है व्हीली करने के लिए। देखो आगे वाला क्रैंक सिर्फ पीछे वाला मैटर नहीं करता, आगे वाला भी करता है बात भाई। तो उसके बाद बताते भाई ब्रेक कैसा होना चाहिए। ब्रेक में पावर होना चाहिए, पावर अगर थोड़ा सा कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैकेनिकल हो हाइड्रोलिक हो कोई सा ब्रेक वो है ना, थोड़ा सा भी ये नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा भी जाम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर जैसे आप व्हीली उठाए ब्रेकिंग आपके तो जाम नहीं होना चाहिए, जैसे आप छोड़े वैसे ब्रेक हट जाए। अगर थोड़ा सा भी देर तक लगा रहेगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा, आपका व्हीली ड्रॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई कोई बोलता है भाई हैंडल ऐसा रहेगा तभी व्हीली होगा या स्टेम ऐसा, ऐसा कुछ भी, व्हीली भाई बहुत ईजी ही ट्रिक है। देखा जाए तो कैसा भी आपका हैंडल लगा तो व्हीली हो ही जाएगा, ऐसा हैंडल मैटर नहीं करता। और हाइड्रोलिक ब्रेक भी उतना मैटर नहीं, अगर हाइड्रोलिक है तो और अच्छा है, अगर वो वाला वी ब्रेक भी है ना तो उसको भाई अच्छे से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि जैसे आप छोड़ो वैसे ही वो हट जाए, थोड़ा सा भी जाम नहीं होना चाहिए। उसके बाद व्हीली ना आपको हाथ से उठाना नहीं है ये, इसको है ना इतना पे, अब फिर बात आते हैं आपको साइकिल पे बैठ के। तो भाई आप लोग हेलमेट पहनना भी मत भूलना, हेलमेट पता है क्यों मत भूलना, अगर आप भाई आप पीछे गिरोगे ना, मान लिया आपका ब्रेक नहीं लगा अगर पीछे गिर गए। हाँ दूसरा चीज़ भी भाई बता दे रहे हैं, जरा ये अच्छे से दिखाना, जैसे सीट है ना अगर आपका इंक्लाइंट तो भाई सब बोल सुने ही होगे भाई इंक्लाइंट रखना है, अगर इंक्लाइंट है आप ऐसे बैठ रहे हो ना तो भाई ये देखना आपका जींस यहाँ पे फंसे नहीं, अगर फंसोगे या पीछे गिरोगे तो भाई सर फूट जाएगा भाई अगर हेलमेट नहीं रहा तो। फिर बताते हैं पॉप कैसे होगा। देखो पहले तो भाई एयर आप लोग कम रखना, अगर सस्पेंशन नहीं है तो पैडल ये इतना पे रखना, इतना पे ताकि आप ऐसे कर सको, और ना हाथ का उतना प्रेशर नहीं लगाना है, थोड़ा सा कम ही लगाना है। बात दिखाते हैं करके, हेलमेट भाई पहन ही लेना, आओ बोलू साथ आओ, चलो इतना पे भाई, अगर लेफ्टी हो तो इतना पे रखना है, इतना पे देखो। और बताते हैं भाई लोग आप लोग को, अगर आपके गियर में साइकिल में गियर नहीं तो आप लोग क्या क्या ट्रिक नहीं कर पाए, आपको दिखाते हैं करके। जैसा कि अगर आप लोग के साइकिल में गियर नहीं है तो आप कॉम्बो नहीं कर पाए। तो भाई अगर आपके गियर साइकिल में गियर नहीं तो भाई आप लोग व्हीली तो कर सकते हो भाई, लॉन्ग व्हीली भी कर सकते हो, बट कॉम्बो ट्रिक नहीं कर पाओगे भाई। देखो जैसे कि डेड स्पिन हो गया, कोई भी कॉम्बो नहीं कर पाओगे, और सर्कल व्हीली तो हो जाएगा मगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, इसके लिए भी थोड़ा सा सही से। अरे भाई गिरते गिरते आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और कुछ छूट गया हो तो भाई कमेंट करके बताना और अच्छे से आप लोग को बता देंगे। और भाई साइकिल में उतना मैटर नहीं करता भाई, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, गोलू भी देखो सीख चुका है व्हीली। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर और ट्यूटोरियल आप लोग को चाहिए हो तो भाई कमेंट करके बताना। बाय।